हेलो एवरीवन, मेरा नाम सक्षम दीक्षित है और मेरे चैनल का नाम पेंटेस्ट डायरीज है। आज मैं आपके सामने एक और वक्त हूँ लेके आया हूँ, वल्लभ की एक मशीन जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ द रूट। ये मशीन 2015 में रिलीज़ की गई थी वन हब पे, और इस मशीन का कंप्लीट वॉक थ्रू मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। मैं मेरी टेक्निक आपके सामने रखूँगा कैसे इस मशीन को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि कोई और टेक्निक है जिसके थ्रू इस मशीन को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या टेक्निक और यूज़ की जा सकती है टू मेक दिस मशीन कॉम्प्रोमाइज बिट फास्टर। सो वो टेक्निक हम फिर से यूज़ करेंगे किसी और अगली मशीन के अंदर, वहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए फिर मेरे डेस्कटॉप पर चलते हैं और देखते हैं इस मशीन को कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करा जाएगा। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस मशीन को, और सबसे पहले हम देखेंगे इस मशीन ये अवेलेबल कहाँ पर है। वर्हब का लिंक मैं जो है मेरे इस राइटअप पे भी और इवन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पेस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप इस लिंक को यूज़ कर सकते हैं जिससे आप वर्नेबल मशीन को OVF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नाउ इस मशीन को डाउनलोड करने के बाद आपको मशीन पे इंपोर्ट करना है एंड देन उसके बाद उस मशीन को स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने से पहले आपको निक कार्ड चेंज करना है। इफ़ यू वांट टू पुट इट इन नेट मोड तो आप उसको नेट कर दीजिए, एंड मेरी मशीन जो है वो नेट मोड में चल रही है इसलिए मैं हमेशा निक कार्ड को नेट मोड में डाल देता हूँ। तो अभी हमारी मशीन चल रही है और हम नेट डिस्कवरी चला के देखेंगे कि नेट डिस्कवरी में हमें कौन सी आईपी एड्रेस मिलती है। आई होप कि इट्स 142 ही मिलनी चाहिए हमें आईपी एड्रेस, तब भी हम देख लेते हैं कि क्या कोई और आईपी एड्रेस मिलती है या नहीं। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आईपी एड्रेस हमें मिली है इट्स 142। ओके, तो इस आईपी एड्रेस को कॉपी करेंगे एंड मैप रन करेंगे। तो इस मशीन को रन करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि nmap के थ्रू हमें क्या क्या मिल सकता है। ओके, तो हम यहाँ पर nmap-a को रन करेंगे एंड देखते हैं इसका आउटपुट क्या मिलेगा हमें। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ पोर्ट 22 ही दिखा रहा है आउटपुट में। ओके, तो हम देखेंगे पोर्ट 22 में एक्चुअल है क्या। तो हम पोर्ट 22 का रन करेंगे तो यहाँ पर ये क्रेडेंशियल्स मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, बट हम यहाँ देख सकते हैं इजी एस 123। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, nmap को एक बार फिर से रन करेंगे और इस बार हम पोर्ट अपने साइड से डिफाइन करेंगे 123। ओके, हम प्री डिफाइंड पोर्ट को कह रहे हैं और हम बता देंगे कि ये पोर्ट इनेबल है, सो इस पर पिंग इनेबल है। तो हम यहाँ देख सकते हैं हमें फिल्टर्ड पोर्ट आए हैं। ओके, अब ये फिल्टर्ड पोर्ट है और इसके बाद हम एक बार फिर से nmap को रन करेंगे -p के साथ एंड देखेंगे कि जो हमें डिज़ायर्ड पोर्ट है क्या वो हमें आउटपुट में मिल जाएगा या नहीं। मे बी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसके आउटपुट आने में, तो हमें वेट करना पड़ेगा। सो यहाँ हमें डिज़ायर्ड आउटपुट मिल चुका है, हम देख सकते हैं पोर्ट 22 नाउ हमें दिख रहा है एंड पोर्ट 1337 भी हमें दिख रहा है। तो उससे पहले अगर हमने ये nmap रन नहीं किया होता तो हमें पोर्ट 22 ही दिख रहा होता। ओके, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप अब क्या रहेगा, हम देखेंगे कि ब्राउज़र में इस पर क्या हमें दिखता है। 21.142 ओके, परफेक्ट। सो यहाँ पर एक इमेज है। ओके, सो इस इमेज को देखा जा सकता है। इसके बाद मैंने डब चलाया था जिसके थ्रू मुझे ये भी पता चला कि मुझे एक और सब सेक्शन है, एक और डायरेक्टरी है जिसको हम रन कर सकते हैं। तो मैं उसको डायरेक्टली ही पेस्ट करता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि हमें आउटपुट क्या मिलेगा। ओके, तो हम इसको रन करेंगे तो हम यहाँ पर फिर एक इमेज मिलेगी, बट इस इमेज के सोर्स सेक्शन में जाएंगे तो हमें एक Base64 एनकोडेड कंटेंट मिल रहा है। ओके, अब Base64 एनकोडेड कंटेंट मिला है तो इसको कॉपी कर लेंगे एंड देन हम डायरेक्टली टर्मिनल पे जाएंगे और टर्मिनल पे इसको रन करेंगे और देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या निकलेगा। ओके, तो इसको रन करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या मिलेगा हमें। तो इसको हम जब रन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें एक नेक्स्ट लेवल हमें वैल्यू मिली है Base64 एनकोडेड। तो हमें ये डबल लेयर Base64 था तो हमें एक बार फिर से Base64 का डिकोड करना पड़ेगा, डिकोडिंग। ओके, तो सिंपल से कमांड है, उसको फिर से हम कॉपी करेंगे। मैंने ऑलरेडी इसको सिमुलेट कर चुका हूँ तो ये इसको फिर से यूज़ करता हूँ, डायरेक्टली कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ एंड तो इसको जब रन करेंगे तो हमें एक पाथ दिख रहा है यहाँ पर। ओके, ये जो पाथ हमें यहाँ दिखा है इस पाथ को उठा के यहाँ पर हम डायरेक्टली पेस्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ पर एक लॉगिन स्क्रीन दिख रही है। ओके,
अब ये लॉगिन स्क्रीन हमें दिखी, बट अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है, तो हमने हमारे पास मैंने बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई किए, फिर उसके बाद फाइनली यहाँ पर एसक्यूएल मैप हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एसक्यूएल मैप की क्वेरी ऑलरेडी लिखी हुई है, तो मैं उसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मेरी स्क्रीन पर। आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें क्या क्या हमने यूज़ किया है। तो एसक्यूएल मैप में हमने यूआरएल में एग्जैक्ट सेम यूआरएल कॉपी पेस्ट कर लिया है यहाँ पर, ओके। एंड उसके बाद हमने -fm form -dbs, रिस्क हमने 3 बता दिया, लेवल 5 बता दिया, थ्रेड 4 बता दिया, एंड बैचेस कंटिन्यूसली रनिंग करता रहे, यस नो के चक्कर में हमने उसको बताया है, ओके। आई मीन इसको रन कर सकते हैं डायरेक्टली, ओके। तो हम इसको रन करेंगे तो हमें आउटपुट दिख रहा है। मैं ऑलरेडी इसको रन कर चुका था पहले, तो इसलिए मुझे आउटपुट फास्ट मिला है, अदरवाइज हमें थोड़ा टाइम लगेगा आउटपुट लेने में। तो यहाँ पर सारे अवेलेबल डेटाबेसिस का आउटपुट मिल गया है। अब हम इस डेटाबेस के थ्रू हम देखेंगे कि पूरा डेटाबेस के थ्रू हम डम कर लेंगे कि डेटाबेस के अंदर क्या है। तो हमने डेटाबेस यहाँ पर पिक किया है वेब ऐप, और उसके अंदर क्या क्या है वो हमने -fm डम कर दिया है, तो ये पूरा डम कर देगा, ओके। तो वेब ऐप के अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड हमें यहाँ पर मिल गए, ओके। ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपको कॉपी कर लेना है, और हम दो फाइलें यहाँ पर बनाएंगे, user.txt बनाएंगे एंड password.txt। इस दोनों में उठा के इनके कंटेंट को पेस्ट कर देना है, ओके। ये जैसे ही हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, हम लोग MSF कंसोल ओपन करेंगे। अब हम ब्रूट फोर्स करेंगे इन दोनों यूज़र नेम और पासवर्ड को, और आइडेंटिफाई करेंगे कि किस यूज़र नेम पासवर्ड से हम डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये देखने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मॉड्यूल लोड कर दिया है, देन नेक्स्ट स्टेप हमारा, हम अपना आर होस्ट बताएंगे, देन नेक्स्ट स्टेप हमारा है हमारी जो यूज़र फाइल थी हम वो भी बता देंगे, तो मैंने यूज़र फाइल भी यहाँ बता दी है। नेक्स्ट हमारा है पास फाइल, वो भी हम बता देते हैं यहाँ पर, तो वो पास फाइल भी हमने कॉपी कर ली और यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। देन नेक्स्ट स्टेप है हमें नो सक्सेस ट्रू भी बता देना है, तो स्टॉप हो जाए, जैसे ही ट्रू मिलेगा वैसे ही स्टॉप हो जाएगा, ओके। एंड देन इसके बाद हम डायरेक्टली एक्सप्लॉइट कर देंगे, वेट करते हैं इसके आउटपुट का। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें यूज़र नेम और पासवर्ड पे सक्सेस मिल गया है, तो हम एक और टर्मिनल ओपन करेंगे। और अब हम SSH सेशन लेंगे डायरेक्टली, ओके। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब हम डायरेक्टली SSH लेंगे, और जो हमें पासवर्ड वहां से मिला है क्रैक होने के, जो हमारा पासवर्ड हमने MSF कंसोल से निकाला है, ये हम डायरेक्टली यहां पर पेस्ट कर देंगे और हम लॉगिन हो गए हैं। लॉगिन होने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो उसको देखने के लिए हम lsb release को यूज़ करेंगे, कमांड को यहाँ पर यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू यहाँ पर -a को हम लगाएंगे, और देन हमें पता जाएगा कि हमारा एग्जैक्ट कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये पता चलने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या करना है, हमारी बेस मशीन पे एक एक्सप्लॉइट है, एक नोन एक्सप्लॉइट है, उसको डायरेक्टली हम कॉपी कर लेंगे, हमारे एक्सप्लॉइट सेक्शन में वो ऑलरेडी अवेलेबल है, मैंने उसे ऑलरेडी कॉपी कर लिया है, तो आई थिंक वो मेरी मशीन पे होना चाहिए। तो ये है वो फाइल, इट्स 3916.c। इसका पाथ क्या रहेगा, वो पाथ मेरे राइटअप में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। ये एक एक्सप्लॉइट है जिसके थ्रू आप प्रिविलेज एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं, इस यूज़र जो यूज़र पे आप कॉपी करेंगे वो यूज़र के थ्रू हम एक्सप्लॉइटेशन करेंगे और हम रूट यूज़र बनेंगे, ओके। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथन को रन कर लेंगे, और यहाँ पर हम टेम्प फोल्डर में जाएंगे, बट हम जाके पहले देख लेंगे टेम्प फोल्डर में वो फाइल प्रेजेंट तो नहीं है, तो या वो फाइल ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, तो हमें डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम मैं डाउनलोड करके आपको सिर्फ कमांड दिखा देता हूँ, क्या क्या कमांड हमें यूज़ करनी होती है। तो हम ये कमांड यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम फाइनली हमारे बेस मशीन से टारगेट मशीन पर ये फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड होने के बाद नेक्स्ट हमें इस फाइल को कंपाइल करना है GCC कंपाइलर के थ्रू, क्योंकि ये सी की फाइल है। तो हमारी नेक्स्ट कमांड रहेगी ये, जिसके थ्रू हम बताएंगे आउटपुट फाइल क्या बनाना चाहते हैं, और ये हमारा सोर्स फाइल है। ये जैसे ही होगा आउटपुट शेल आएगा, देन उसके बाद हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ch mode, हम उसकी परमिशन को 777 कर देंगे। यहाँ तक का सारा स्टेप कंप्लीट होने के बाद हम डायरेक्टली शेल लिखेंगे एंड एंटर कर देंगे, और हम रूट हो गए, रूट यूज़र हमें राइट्स मिल गए हैं।
और यहाँ पर जैसे ही हमें रूट यूज़र राइट्स मिले हैं, हम रूट यूज़र में जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि फ्लैग है और फ्लैग डॉट डॉट टीएक्सटी। तो यहाँ पर हम फ्लैग का कंटेंट को रीड कर सकते हैं। तो हमने इस मशीन के अंदर क्या क्या किया वो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने एनमैप रन किया, बट एनमैप के थ्रू अनफॉर्चुनेटली हमें पोर्ट 22 ही इनेबल देखा। तो हमने देखा कि पोर्ट 22 पे डायरेक्ट हिट करके देखा SSH के थ्रू, हमने देखा कि एक्चुअल क्या मिल रहा है। तो वहाँ पर इजी 123 समथिंग करके था। तो मैंने क्या किया कि हाइफन PN हमने पैरामीटर यूज़ किया एनमैप के थ्रू, जिसमें हमने बताया कि ये ऑलरेडी एक्टिव हैं, ये पोर्ट्स इनेबल हैं, जिसके ऊपर पिंग मत चलाओ, नो पिंग चलाने के लिए बोला, पोर्ट डिफाइन कर दिए 123, उस वो फिल्टर्ड मोड में आउटपुट देंगे। देन उसके बाद हम लोग फिर से एक बार एनमैप को रन करेंगे पैरामीटर्स को डिफाइन करके अप्रोप्रिएटली, एंड देन उसके बाद हमें 1337 एक पोर्ट और इनेबल दिखेगा। उस पोर्ट के थ्रू हम HTTP एक्सेस करेंगे, हम देखेंगे कि जाके ब्राउज़र में क्या दिखता है। फिर उसके बाद डब हमने चलाया था, तो डब के थ्रू हमें robot.txt हमें मिलेगा। robot.txt एक्सेस करेंगे तो इसके थ्रू एक इमेज दिखेगी, फिर उसके सोर्स कोड को ओपन करेंगे। सोर्स कोड को ओपन करने के बाद हमें वहाँ पर base64 का कंटेंट दिखेगा। base64 के कंटेंट को हम डिकोड करेंगे, वो वन टाइम डिकोड होगा, फिर उसके बाद सेकंड टाइम डिकोड करेंगे तो हमें एक पाथ दिखेगा। उस पाथ को उठा के हम कॉपी करके ब्राउज़र पर पेस्ट करेंगे, एक लॉगिन स्क्रीन दिखेगी। वो लॉगिन स्क्रीन जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रही होगी, वो डायरेक्टली इंजेक्शन बेस्ड है। तो हम उस पूरे पाथ को कॉपी करके हम SQL मैप के थ्रू रन करेंगे कपल ऑफ कस्टमाइज पैरामीटर के थ्रू। देन उसके बाद वहाँ से हमें डेटाबेस पहले पता चलेंगे, फिर डेटाबेस के थ्रू हम पूरा टेबल और कॉलम्स को डंप कर लेंगे, एंड देन उसके बाद वहाँ से यूज़र नेम और पासवर्ड जो मिला है उनके अलग अलग यूज़र नेम डॉट txt और पासवर्ड डॉट txt फाइल बनाएंगे। एंड देन उसके बाद हम MSF कंसोल के अंदर जाके ब्रूट फोर्स करेंगे SSH, जिसके हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा यूज़र नेम कौन से पासवर्ड के साथ चल रहा है। जो हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा उससे हम SSH करेंगे इस मशीन के अंदर, और जैसे ही मशीन के अंदर लॉगिन करेंगे उसके बाद अब प्रिविलेज क्रिएशन के लिए हम क्या करेंगे, एक अप्रोप्रिएट एक्सप्लॉइट फाइल है ऑलरेडी अवेलेबल है, उस फाइल को हम यहाँ पर डायरेक्टली इंपोर्ट करेंगे हम टारगेट मशीन में टेम्प फोल्डर के अंदर, उसे कंपाइल करेंगे, उसकी परमिशन 777 की बनाएंगे, देन उसके बाद उसको डायरेक्ट रन करेंगे, हमारा रूट राइट्स मिल जाएंगे, एंड देन उसके बाद हम रूट फोल्डर में जाके हम फ्लैग को रीड कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस है जो आपको इस मशीन को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए करना है। सो इतना ही कुछ था इस मशीन के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक्डइन का प्रोफाइल लिंक मैं मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पेस्ट कर दूंगा। अगर आप इस वीडियो के वॉक थ्रू और राइटअप को देखना चाहते हैं तो मेरे टेक्निकल ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं। मेरे टेक्निकल ब्लॉग का लिंक भी मैं मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पेस्ट कर दूंगा। आप अपने फीडबैक्स भी दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर, बाय बाय।